अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बंद पराठा और चिकन चुक्का बनाएंगे, जिसे चिकन चुक्का भी कहा जाता है। अभी सर्दियाँ बहुत है, गरम गरम ये खाने में बहुत मज़ा आता है। जिसके लिए हम 1 किलो ले लिए चिकन, इसको साफ धो के हम रख लिए, छोटे छोटे पीसेस में हम इसको काट लिए। प्याज लिए हम 200 ग्राम, इसको भी काट के रख लिए हम, इसको फ्राई करेंगे। एक बड़ा वाला टमाटर लिए, इसको चॉप करके रख लिए। 1 चम्मच अदरक लहसुन लिए हम। मसालों में मिर्ची लिए 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर, ये है चिकन मसाला जो 1/2 चम्मच लिए हम। ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच लिए, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच लिए, हल्दी भी 1/2 चम्मच लिए हम, काली मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच लिए, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच लिए, नमक लिए 1 चम्मच, मैदा ले लिए हम 1/2 किलो मैदा लिए हम, दूध लिए 1 कप। इसमें हम डालेंगे नमक 1/2 चम्मच, शक्कर 1/2 चम्मच डालेंगे हम, बेकिंग पाउडर लेंगे हम थोड़ा सा, बेकिंग सोडा। अगर ये दो चीज़ नहीं डालना चाह रहे तो अंडा भी डाल सकते हैं। अभी हम इसको भिगा लेंगे, ये डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको छान के अच्छे से हम रख लिए मैदे को, अभी हम भिगा लेंगे, दूध से भिगाना है। इस तरह से इसको हम भिगा लिए, अभी दूसरे बर्तन में तेल के साथ इसको रखेंगे हम लगा के इस तरह से। इसको छोड़ देंगे 1/2 घंटे के लिए। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तेल भी हम 200 ग्राम लिए, इसमें तेल अच्छा जाता। अच्छे से इसको लाल करके हम निकाल लेंगे। देखिए अभी हमारी प्याज अच्छे से लाल हो गई, इतनी लाल होना है हमको, अभी हम निकाल लेंगे इस तरह। प्याज हम निकाल लिए, अदरक लहसुन डाल लेंगे इसमें, ये टमाटर भी डाल देंगे अच्छे से फ्राई करेंगे हम। जो मसाले बताए थे मैं ये भी डाल देंगे। अच्छा भूनते हुए हमको टमाटरों को मिक्स करना है इसमें। अभी हम इसमें चिकन भी डाल लेंगे। अच्छे से टमाटर हमारे भून गए, बिना पानी के हम चिकन को इसी में गलाएंगे, इसी के पानी में हम गलाएंगे। अभी इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। हमारा चिकन पक रहा, जब तक हम पेड़े बना लेंगे इसके। इस तरह से इसको निकाल लेंगे हम बाहर। तेल ले लिए हम, ये हम लगा देंगे पत्थर पे। क्लीन कर लिए हम इसको, साफ कर लिए अच्छे से। अभी ये पेड़े बनाएंगे इस तरह से, इसको आगे पीछे करते हुए हम सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको अच्छे से मल लिए, अभी हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे इस तरह से। ये साइज के हम बना बना के रख लेंगे, कोई भी चीज पे कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है मैं पत्थर का बना के रखी, मार्बल का, किसी पे भी कर सकते हैं ये काम। जगह थोड़ी बड़ी होना चाहिए। इस तरह से हम रख लेंगे। इस तरह से हम तेल लगा लगा कर इसको हम फोल्ड करेंगे, करके रख लेंगे इस तरह से। ये सारे हो गए, अभी इसको हम रख देंगे साइड में। अभी हम अपने चिकन की तरफ जाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन अच्छे से पक रहा, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, इसी के पानी में इसको पकना है, इसीलिए इसका नाम है सुक्का चिकन या चिकन चुक्का। इस तरह से इसको भूनते हुए बनाना है हमको। अभी ये
तैयार है। इसमें हम जो फ्राई करके प्याज रखे थे वो भी डाल देंगे इस तरह से। फिर से हम इसको भूनते हुए बना लेंगे। और 5 मिनट हम इसको पकाएंगे इसी तरह ढाक के। पेड़ा ले लिए हम, इसको तेल लगा लिए। हाथों की मदद से हम इसको बड़ा करेंगे। चाहे तो बेलन से भी कर सकते हैं लेकिन फिसलता उससे नहीं होता। हम हाथों की मदद से ही करते जाएंगे, इस तरह से फैलाते हुए करना है। और थोड़ा पटक के भी बड़ा करेंगे इस तरह से। इस तरह से करने के बाद थोड़ा ये अगर फटता भी है तो कोई बात नहीं, फिर से तेल लगाएंगे हम। इसको इस तरह से कर लेंगे फोल्ड और इसको इस तरह से कर लेंगे। इसको रोल करेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा रोल। अभी हम इसको इस तरह से पुश करके रख देंगे साइड में। इस तरह से सारे हम इसी तरह से कर लेंगे। बेलन की मदद से भी हम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अभी ये हो गया। फिर से हम इसमें तेल लगाएंगे। यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, इस पर भी तेल लगाएंगे हम। इसको भी फोल्ड करेंगे। बहुत आसानी के साथ ये बन जाते हैं, बहुत भी बहुत आसान है। इसको रोल करेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको पुश करना है हमको। देखिए अभी इसको भी रख देंगे। सारे हम ऐसे ही बना लेंगे, फिर मैं बताऊंगी आपको। पेड़े हमारे तैयार हो गए। अभी हम चिकन टिक्का देख लेंगे। माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छा बना है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे इसी तरह से। ये कंप्लीट है, अभी तैयार है। गैस बंद कर देंगे हम। सारे हम करके रख लिए इस तरह से, पेड़े बना लिए हम। अब एक एक करके इसको इस तरह से पुश करेंगे हम। इस पर बेलन नहीं लगाएंगे, यही साइज़ के हमको बनाना है। ये एक हम रख लिए, दूसरा भी ऐसे ही करेंगे हम। बहुत भी बहुत अच्छे बनते, फ्लफी और बहुत टेस्टी रहते हैं। ये 2 हो गए हमारे। इसको भी इसी तरह से कर लेंगे। ये बन पराठा ऐसे ही रहता मोटा। अभी हम फ्राई करने चलेंगे। पैन रख लिए हम, इसमें एक एक करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से पुश करेंगे इसको। इसको 2 से 3 मिनट तक हम छेड़ेंगे नहीं, हम इसको स्लो आंच पे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए। अभी हम इसको पलटाएंगे इस तरह से। एक सेट हो गया। इसको हमको कम आंच पे पकाना है। बहुत भी बहुत टेस्टी बनता है और अंदर तक भी पकते हैं। सब्र जरूरी है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे।
इसी तरह से सारे हम बना लेंगे। ये बच्चों के बहुत फेवरेट है, बहुत पसंद आएंगे बच्चों को, आप लोग ज़रूर बना के देखिए, बहुत भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तेल का यूज़ हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, कम से कम कर रहे हैं। शैलो फ्राई कर रहे हैं हम इनको, डीप नहीं कर रहे। देखिए ये भी हो गया, हम इसको निकाल लेंगे और ऐसे ही बना लेंगे। जो हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं उनको इस तरह से रख के हमको इस तरह से करना है, ताकि ये लेयर्स जो है गरम बहुत है अच्छे से खुल जाए। देखिए माशाल्लाह लेयर्स इसके कितने अच्छे आए, बहुत गरम है ये अभी, इस तरह से रखते जाएंगे। डिश आउट करेंगे हम अभी हमारा चिकन चुक्का, जो कि चिकन सुक्का भी कहा जाता है। इस तरह से हमारे पराठे जब तक फ्राई हो रहे हम इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा चिकन चुक्का और बन पराठा बनके तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग भी ज़रूर बनाइए। ये सर्दी के दिनों में तो बहुत मज़ा आता है ये खाने में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। जैसा कल्ला।